क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को एक लाइन एक वाक्य दे दी जाएगा कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो एक शब्द में उसे हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक इस तरह आगे दे रखा है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम नास्तिक कहेंगे, जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहेंगे, दूर की बात सोचने वाले को हम लोग दूरदर्शी कहेंगे, जो दान करता हो उसे हम दानी कहेंगे, जिसको लज्जा यानी शर्म ना हो उसे निर्लज्जा कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। जो धर्म के काम करे उसे धर्मात्मा कहेंगे, जो देख ना सके उसे अदृश्य कहेंगे, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहेंगे, जो काम कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे। उम्मीद है सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। दिन में होने वाला क्या होता है? दैनिक होता है। सप्ताह में होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक होता है। आगे पढ़ते हैं। पक्ष में होने वाले को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में पाक्षिक कहेंगे। मास में होने वाले को हम लोग मासिक कहेंगे। तीन महीने में होने वाले को हम लोग त्रैमासिक कहेंगे। छः महीने में होने वाला यानी षडमासिक कहलाएगा। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जो सबको जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो ऋण दे उसे साहूकार कहेंगे, जो ऋण ले उसे कर्जदार कहेंगे, जो आकार वाला हो उसे साकार कहेंगे, जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहेंगे, जिसका रूप अच्छा हो उसे सुरूप कहेंगे। आगे दे रखा है कि जिसका रूप अच्छा ना हो उसे कुरूप कहेंगे, जिसको भय ना हो उसे निर्भय कहेंगे। आगे दिया गया है, जिसको डर ना हो उसे निडर कहेंगे, अच्छे बोलने वाले को सुवक्ता कहेंगे। आगे पढ़ते। आगे दिया गया है, अच्छा लिखने वाले को सुलेख कहेंगे, बुरे मार्ग यानी रास्ते पर चलने वाले को कुमारगामी या कुमार्गी कहेंगे, जिसका आचार अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहेंगे, जिसमें दया हो उसे दयालु कहा जाएगा, जिसमें दया ना हो उसे निर्दय कहा जाएगा, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाएगा। आगे दे रखा है, जिसके समान दूसरे ना हो उसे अन्य कहा जाएगा, जिसका पार ना हो उसे अपार कहा जाएगा, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहा जाएगा। आगे दे रखा है, जो प्रशंसा यानी तारीफ के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहा जाएगा, जिसकी चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहा जाएगा, जिसमें कपट ना हो उसे निष्कपट कहा जाएगा। आगे दे रखा है, जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाएगा, जिसमें विकार ना आए उसे निर्विकार कहा जाएगा। आगे दे रखा है कि समान समय में होने वाले को कहा जाएगा समसामयिक कहा जाएगा। आगे दे रखा है, काया का क्या होगा? कायिक। वाक्य का क्या होगा? वाचिक होगा। आगे दे रखा है, सतो गुण वाला उसे क्या कहा जाएगा? सात्विक। रजो गुण वाले को राजसिक कहा जाएगा। आगे दे रखा है, तमो गुण वाले को तामसिक कहा जाएगा, नीति को जानने वाले को नीतिज्ञ कहा जाएगा, जो केवल दूध पर निर्वाह करे उसे क्या कहा जाएगा? दुग्धाहारी। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णीय कहा जाएगा, जो जल में रहता हो उसे जलचर कहा जाएगा, जो आकाश में घूमता हो उसे नभचर, जो मुख न रखता हो उसे निर्मोही, जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर, जिसका कोई शत्रु न हो उसे आजाद शत्रु, जो लेने की चाह रखता हो उसे लिप्सु, जो बहुत से रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहा जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द।